नहीं, हमारा राजनीति से आंदोलन का लेना है नहीं, हमारा तो केवल प्रेशर क्रिएट करना है। सत्याग्रह है ये, सत्याग्रह में जो भी तरीके होते हैं वो तरीके किए जाते हैं। हमको लगता था कि यूपी मिशन हमको चलाना पड़ेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो, और हमने उस दिशा में आगे भी बढ़े। मैं स्वयं लखनऊ गया, मैंने पीसी ली और यूपी का हमने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था। ब्लूप्रिंट में मेरे दिमाग में था कि मुझे बुंदेलखंड के क्षेत्र में ड्यूटी देंगे ये लोग, अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी मिल रही सबको, वो जाएंगे और सरकार को वहाँ सबक सिखाएंगे। पर उसके पहले सरकार ने तीन काले कानून जो हमारी प्रायोरिटी पे थी हुआ। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि MSP पर गारंटी का कानून पंजाब को छोड़कर बाकी देश के राज्यों को MSP पे गारंटी के कानून की चिंता थी। पर उसमें भी ये होता है कि भाई बाकी राज्यों की फील्ड पर क्या हिस्सेदारी है। अगर मध्य प्रदेश का किसान ये विचार कर ले कि भगत सिंह तो पैदा हो मगर पंजाब में पैदा हो यहाँ ना हो तो नहीं चलेगा। हमारी भी हिस्सेदारी प्रभावी होना चाहिए। हालांकि जो भी हमारे SKM ने निर्णय लिया है उसका पालन बहुत किया है मध्य प्रदेश के लोगों ने, हो चाहे कर्नाटक के हो चाहे वहाँ के हो, पर दूरी एक बड़ी वजह है। पर कम से कम वहाँ हर राज्य की इकाइयों का धरना होना चाहिए। MSP की लड़ाई की हमारी रणनीति वही है और वो हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। 15 जनवरी को मैं बताना भूल गया कि 15 जनवरी को हम रिव्यू करेंगे। सरकार ने लिखा है तत्काल प्रभाव से केस वापस लिए जाएं। 15 जनवरी तक सरकार क्या करती है वो देखेंगे और फिर आगामी रणनीति हम 15 जनवरी को बनाएंगे। अगर 15 जनवरी तक या चुनाव के नोटिफिकेशन तक, यूपी का नोटिफिकेशन होगा और पंजाब का होगा, सरकार इस पर कोई विचार निर्णय नहीं कर पाती है तो हमको वापस यूपी मिशन की ओर मुड़ना पड़ेगा।